राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने हिमाचल प्रदेश में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन को लागू करने की मांग उठाई है। इसी कड़ी में संगठन ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए प्रतिनिधियों को पत्राचार के माध्यम से इस संशोधन को लागू करने के बारे में जागरूक किया। शिमला के माल रोड पर जीपीओ पोस्ट ऑफिस से संगठन ने 101 पत्र भेजकर लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा। संगठन के अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को बहुत कम शक्तियां दी गई हैं। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इन संशोधनों को प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी 101 पत्र भेजे गए हैं और 24 अप्रैल तक प्रदेश भर में चुनकर आए सभी 30,043 प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर जागरूक किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को महात्मा गांधी जी का जो शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, उस पर मैं पूरे देश को ये संदेश एक देना चाहता हूँ कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी का एक सपना था ग्राम स्वराज को लेकर, उन्होंने एक अवधारणा रखी थी कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर जब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, 73 और 74 संशोधन इसमें दिया गया, उससे पंचायतों को मजबूती मिली, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं केरल को छोड़कर, तो हमने ये देखा कि हिंदुस्तान में कहीं भी केरल को छोड़कर जो है इसे लागू नहीं किया गया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं पंचायती राज संस्थाओं के, और जिसमें कि लगभग 30,043 लोग चुनकर आए हैं। ये जो चुनकर आए हुए हमारे पंचायतों के मेंबर, बीडीसी के सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, इन सबको हमने एक आज लेटर यहाँ से पोस्ट किया है जिसमें हमने उन्हें एक तो बधाई दी है, सबसे पहले जो चुनकर आए हैं उनको हमने शुभकामनाएं दी है। दूसरा, हमने उनको एक तैयार कर रहे हैं हम एक आगे आने वाले समय में कि किस तरह से उन्होंने लामबंद होकर जो है संविधान का 73वां 74वां संशोधन की लड़ाई इकट्ठा होकर लड़नी है, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी केरल की तर्ज पर संविधान का 73वां 74वां संशोधन लागू किया जा सके और ग्राम स्वराज को जो है मजबूती मिल सके। ये टोटल कितने हैं? हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश चौहान।